नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अनिशु। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कटघोरा क्षेत्रवासियों को शासकीय कार्यों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कटघोरा में अपर कलेक्टर पद स्थापना करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में कटघोरा में अपर कलेक्टर की पदस्थापना हो गई है। आज कटघोरा में पहले अपर कलेक्टर के रूप में श्री विजेंद्र सिंह पाटिल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पदस्थापना के पहले ही दिन जनहित में किए बड़े काम आज उनके द्वारा आरबीसी 64 के 21 प्रकरणों में 84 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। साथ ही भू विस्थापितों को SECL में नौकरी दिलाने के 16 प्रकरण भी निराकरण के लिए भेजे गए हैं। सर, आप यहाँ पहले अपर कलेक्टर के रूप में आ गए हैं, आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? शासन के वंशानुसार जो शासन की योजना है उसको इम्प्लीमेंट करना, राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना। और सर, आपकी यहाँ पे आगे की योजनाएं क्या रहेंगी? कटघोरा अनुभाग में पहले भी अपर कलेक्टर किलिंग कोर्ट के रूप में राजस्व के काम संचालित होते थे। इसी तारतम्य में रेगुलर पोस्टिंग के रूप में मेरी पदस्थापना यहाँ कटघोरा में हुई है। और जितने भी इस अनुभाग से संबंधित और तहसीलों से संबंधित जो प्रकरण है, राजस्व प्रकरण है, उसकी नियमित रूप से अब यहाँ सुनवाई होगी। पक्षकारों को वहाँ कोरबा जाने की अब जरूरत नहीं होगी। इस सब डिवीजन से संबंधित जितने भी काम है, रेवेन्यू प्रकरण यहाँ संचालित होंगे। सर, इस पे दर्री से इधर के एरिया आएंगे कि कटघोरा अनुभाग में शामिल, अविभाजित कटघोरा अनुभाग में शामिल सभी तहसील इसमें शामिल होंगे।